खबर कोटा जिले से है, जहां कोचिंग छात्रा द्वारा अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाकर अपने पिता से 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आज छात्रा और उसके मित्र को इंदौर से दस्तयाब कर लिया। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि कोचिंग छात्रा ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और हाथ पैर बांधकर दोस्तों से फोटो खिंचवाकर पिता को भेजे ताकि उसके पिता पैसे दे दें और वो रशिया से MBBS कराए। इसी दौरान छात्रा काव्या धाकड़ और उसके दोस्त हर्षित ने बताया कि वो इंदौर से चंडीगढ़ और अमृतसर गए, वहां गुरुद्वारा में रुके, पैसे खत्म होने पर किराए के मकान पर इंदौर में रह रहे थे। वहीं अब पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की विधिक जानकारी ले रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। मार्च को हमारे पास ये कंप्लेंट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि एक बच्ची जो है कोचिंग छात्रा कोटा से, उसका अपहरण कर लिया गया, 30 लाख की फिरौती उसके माता पिता शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनसे मांगी गई थी। इस पूरे प्रकरण को हमने पूरी गंभीरता से लिया था और जो शुरू में अब तक पहले आपको बताया भी था कि जो हमारे पास सूचना थी, क्योंकि उनमें से जो एक व्यक्ति था, एक छात्र था, हमने दस्तयाब किया था, उससे जो कहानी पता चली थी यही थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, जब बल्कि जो ये बच्ची है ये कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फौरन जाना चाह रही थी, इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। किंतु अभी तक बच्ची हम दस्तयाब नहीं कर पाए थे, तो इस बात की पुष्टि नहीं, इंदौर पुलिस और कोटा पुलिस लगातार आपस में सामंजस्य करके जो बच्ची है काव्या धाकड़ और उसके साथ जो उसका दोस्त हर्षित यादव है, उन दोनों को दस्तयाब करने के पूरे प्रयास कर रहे थे और उसमें हमें सफलता मिली। कल इंदौर पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों को इंदौर में ही दस्तयाब किया गया, तुरंत टीम रवाना करके आज उनको कोटा लाया गया है और उनसे पूरी डिटेल में पूछताछ की जा रही है।